नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला स्पेशल BHTC की सेकंड लिस्ट के बारे में कि सेकंड लिस्ट आपकी किस दिन आने वाली है। प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस डेट को आपकी जो है सेकंड लिस्ट आने वाली है, और सेकंड लिस्ट में आप अपना नाम कैसे दे सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, आप सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो सेकंड लिस्ट में आप अपना नाम कैसे दे सकते हैं, सेकंड लिस्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी के साथ बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नंबर आया था उनसे कितनी कम परसेंट पे यहाँ पर सेकंड लिस्ट में वो सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कितनी कम परसेंट यहाँ पर रहने वाली है सेकंड लिस्ट में, उसकी जानकारी आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी आपको, ऑथेंटिक व ऑफिशियली ही जानकारी में इसमें देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नया तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको स्पेशल BHTC की मैं पल पल की अपडेट यहाँ पर देता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि स्पेशल BHTC की जो सेकंड लिस्ट है वो किस दिन जारी की जाएगी। तो चलिए उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आवेदन में कॉलेज मांगा राजस्थान का और मिला उड़ीसा का। तो आपके सामने जो पेपर की कटिंग है दोस्तों, उसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आवेदन अपने राज्य में किया था, लेकिन उन्हें बहुत दूर अपने राज्य से यानी राजस्थान से उड़ीसा कितना दूर हो गया वहाँ पे जो है कॉलेज है मिली है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, और बहुत सारी सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। भारतीय परिषद की 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए जारी केंद्र के प्रवेश सूची में विद्यार्थियों को मुसीबत और बढ़ा दी गई। राजस्थान के कई विद्यार्थियों ने राजस्थान को विशेष शिक्षा कॉलेज में अपील की थी, लेकिन सूची में उनको उड़ीसा व कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के आवंटित कर दिए गए। इस कारण देश में कई कॉलेजों की सीटें रिक्त रहने की संभावना बढ़ गई है। अब मैं बात कर लूँ डायरेक्ट की आपकी जो सेकंड सूची है वो आएगी, तो आप देख सकते हैं पहले जो सेकंड सूची है जो आपकी सेकंड लिस्ट है दोस्तों, वो आ रही थी आपकी 17 नंबर को, लेकिन बाद में जो 90% वालों की वजह से इसको बढ़ा दिया गया, और आपकी जो 25 तारीख की यहाँ पे कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं 25 के बाद जारी होगी अगली सूची, यानी 25 नवंबर जो आपका दोस्तों निकल गया है। तो अब सूची आपकी या जो सेकंड लिस्ट है दोस्तों वो कभी भी आ सकती है, यानी 30 तारीख तक भी आ सकती है, आज भी आ सकती है। तो सेकंड लिस्ट है वो दोस्तों वो कभी भी ऑफिशियल साइट पर जारी कर दी जाएगी। अब ऑफिशियल साइट पर दोस्तों आपको कैसे देखनी है, चलिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सेकंड लिस्ट है वो कैसे देखनी है। सेकंड लिस्ट है दोस्तों वो कभी भी आ सकती है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और बार बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी सेकंड लिस्ट आएगी मैं खुद आपको वीडियो बना कर बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट में कितने स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, उसके बाद बताऊंगा कि थर्ड लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि सेकंड लिस्ट आपको कैसे देखनी है। तो दोस्तों, सेकंड लिस्ट देखने के लिए आपको अपने गूगल के होम पेज पर जाना होगा। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च मारना है www.rehavisicounselingnic.in, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको सर्च मारना है गूगल पे। इसके साथ ही जैसे आप सर्च मारोगे आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, लेकिन आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। आप यहाँ से भी अपना जो है सेकंड लिस्ट है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपकी जो लंबा प्रोसेस हो जाएगा मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, आप देख सकते हैं नोटिस एंड सर्कुलर। तो जैसे ही आप नोटिस एंड सर्कुलर पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ से आपकी जैसी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी, कोई भी नया पेश नोट जारी किया जाता है या कोई सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, तो वो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस एंड सर्कुलर में अभी यहाँ पर जो 25 तारीख का ही सर्कुलर जारी किया गया है, जो 90% वालों का जो सिलेक्शन हो गया था, जो 21 कैंडिडेट की यहाँ पर सूची आई थी, तो उनकी यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया है। तो अब जो नया सर्कुलर आएगा दोस्तों वो आपका सेकंड लिस्ट वालों को ही आएगा। तो यहाँ से आप विजिट करते रहें, जैसे ही आपका सर्कुलर आएगा वहाँ से आपको उसकी PDF डाउनलोड करनी है, और PDF डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से एक सर्च का निशान आ जाएगा, जैसे आप मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप ये PDF डाउनलोड कर लोगे सेकंड लिस्ट की, यहाँ से PDF डाउनलोड आती है, तो ये मैं PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप PDF डाउनलोड कर लोगे दोस्तों, ये PDF आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे सेकंड लिस्ट में दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 90% वाले स्टूडेंट हैं, इनको सिलेक्टेड हो गया था, वेरीफाई हो गई थी इनकी ओरिजिनल मार्कशीट द्वारा से इनको सबमिट करने की बोला था। तो यहाँ पे आपको सर्च करने निशान आ रहा होगा, इसमें आपको अपने नाम लिख देना है, और आपको या अपना एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, और आपकी आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा तो आपका इसमें नाम आ जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करूँ कितने परसेंट वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है सेकंड लिस्ट में, तो सेकंड लिस्ट में दोस्तों आपकी 6 से 7% यहाँ पर कम रहने वाली है, और अलग अलग कोर्स की परसेंट यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपकी ये
मैंने आपको बता दिया कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। सेकंड लिस्ट का दोस्तों परसेंट आपकी 6 से 7% फर्स्ट लिस्ट से कम हो गई होंगी, बहुत सारी सीटें खाली हो गई हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को दूर दूर कॉलेज मिली है और उन्होंने काउंसिलिंग प्रक्रिया नहीं कराई है। जो स्पेशल BSTC का जो स्टाफ है वो सभी सीटों को भरना चाहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो सेकंड लिस्ट निकाली जाती है, अगर सेकंड लिस्ट में भी सीटें खाली रह जाएंगी तो थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना। चैनल पर आपको स्पेशल BSTC की पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।